अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूं। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूं मैं, खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। लोग सदमों से मर नहीं जाते, सामने की मिसाल है मेरी। ये अशआर उर्दू के उस अहम शायर के हैं जिसने एक आलम को अपना दीवाना बना रखा है, अपने मखसूस लहजे से और अपनी शायरी से। मेरी मुराद है अनवर शाहूर साहब से। अनवर शाहूर साहब, आप पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम यहाँ आपका खैर मकदम करते हैं। आपके उस जमाने में फैज, जोश, जॉन एलिया, इन लोगों से मुतासिम रहे हैं, लेकिन हम बात जो है जॉन एलिया से शुरू करना चाहेंगे। बिल्कुल हमने ये सुना है कि जॉन एलिया की एक किताब का दिबाचा जो जॉन एलिया का है, वो जॉन एलिया बोलते थे और आप उसको लिखते थे, बिल्कुल और फिर उसके बहुत ज्यादा सफात हो गए थे जो बाद में आपको कम करने पड़े। इसमें किस हद तक सच्चाई है? बिल्कुल सच है। वो हमारे दफ्तर आ जाया करते थे, दफ्तर सबरंग डाइजेस्ट। तो वो सबरंग डाइजेस्ट के दफ्तर में आ जाते थे, और जब वो वहां से उठने के बाद हम लोग अपने घर पहुंच जाते थे। ये वाकई कमाल है, उनके मजमूए में वो जो है वो बेहतरीन नसर का नमूना है, और ये उन्होंने इमला करवाई है, मतलब जबानी मेरा लिखवाई जी है। जी मैं चूंकि नस्र का इतना बेहतरीन नमूना है, वो एक्सटेम्पोर बोल रहे थे और आप लिख रहे थे हाँ और इतनी अच्छी नहीं, चीज ऐसा तहरीर होता बोल था गई। कि थोड़ा वो फर्ज कीजिए थोड़ी देर रुक गए, सोच रहे हैं, फिर बोलते थे। वो फिल्बदी जिसे हम कहते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते अच्छा, जॉन एलिया के साथ आपकी बहुत कुर्बत रही थे। है और उनकी बहुत कहानियां और किस्से मशहूर हैं, और उनका खास तौर से मुशायरे में शेर पढ़ने का एक अपना स्टाइल। बिल्कुल अच्छा, था। क्या अनवर शाहूर साहब ये उनका स्टाइल था, या वो जो हम जैसे कुछ बहुत सारी चीजें, चूंकि हमने तो जॉन एलिया को नहीं देखा है, हम यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो जिस तरह वो जानी और इस तरह करके लोगों को बुलाते हैं, तो कभी कभी हमें शुभा होता है कि ये जॉन एलिया जो है जानबूझ के ये हरकतें कर रहे हैं। ये ना उनका ये आम आदत थी उनकी, ये नहीं कि वो मुशायरे में सुनाते वक्त ये कर रहे हों। उमूमी तौर पर उनका अंदाज़े तखातुब यही होता था, बोलते बहुत ज़्यादा थे, मगर जी ये कि बहुत अच्छी जबान बोलते थे, लहजा उनका बोलने का बहुत अच्छा था, बाकायदा खिताबत जानते थे। और वो कहते थे कि मैंने अपने इब्तदाई दौर में, उनके अमरोहे में थिएटर वगैरह हुआ करता था, जी कि उसमें भी मैंने काम किया है। और एक बार वो बताने लगे कि मैंने लैला बन के भी दिखाया है, वाह तो अब वो तो प्रैक्टिस हो जाती है फिर। अच्छा, अगर बन भी रहे हैं तो तैयारी करके जाना तो अच्छी बात है, इसमें कोई एतराज की नहीं, हाँ बात नहीं बिल्कुल, है। एतराज की बात नहीं है, हाँ बस ये कि क्या सिर्फ इसलिए कि मैं मुशायरे के जो सामीन होते हैं, आप से बेहतर कौन वो जानता तो है कि वो किस तरह गैर के होते हैं, नहीं वो लोग, ये वो शायरी कम और इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्या सामीन को नहीं उनके आम आदत थी, जी ये नहीं कि वो सामीन को मुतासिर करने के लिए कर रहे हो, उनका अंदाज़े गुफ्तगू यही था, अच्छा, घर में भी और अपने दोस्तों में भी इसी तरह बोलते थे। अच्छा जॉन साहब के बारे में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जॉन साहब की तहरीरों में जो अमरोहा की मिट्टी की एक सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है, तो जो आपके जाती मुलाकातें रही उनसे, तो क्या उनमें ये सब चीजें झलकती थीं? उनकी जान था अमरोहा, यानी यूं कहिए उन्हें बहुत मोहब्बत थी अमरोहे की से, और वो अमरोहे का बहुत जिक्र करते थे। मेरी अपनी मालूमात अमरोहे के बारे में जो हैं वो ज़्यादातर उन्हीं से सुनी हुई हैं। अमरोहे की मोहब्बत तो उनकी के खून में सरायत किए हुए थी, जी अच्छा, अनवर ये शाहूर वहाँ साहब जाकर कोई खुश नहीं रहे कभी। पाकिस्तान जा रहे हाँ, जी, और दुखी दिल तो था ही उनका। जॉन एलिया को हमने किसी भी मामले में कभी खुश नहीं देखा क्या बात है। बल्कि कोई हशाश बशाश आदमी उनके करीब हो जाए ना तो उसे भी गमगीन और गमज़दा कर देते थे। अच्छा, कुछ कुछ चीजें उनकी ये उनकी शायरी में भी हमें दिखने को मिलती हैं, ये सब चीजें, ये दर्द। मसलन वहां कोई बांध थी, बांध नदी, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है।
क्या कि हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, कुछ इस तरह का जी। कि मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, ये उनका अंदाज था। और बड़ी अच्छी अच्छी नज़में कहते थे कि किसको फुर्सत के मुझसे बहस करे और साबित करे, तीन मिसरों की नज़म है, इसका उन्होंने वजूद, किसको फुर्सत के मुझसे बहस करे और साबित करे कि मेरा वजूद जिंदगी के लिए जरूरी है। अनवर शाहू साहब, कुछ हम ये जानना चाहेंगे जॉन एलिया, बाकी शख्सियात पे हम बाद में बात करेंगे, कुछ और बातें जानना चाहेंगे। जॉन एलिया की शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, मेरी तो वो दीदी हैं, इनकी बेगम जो हैं जाहिदा हिना, मैं तो बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से जॉन साहब एक बार कोई बात छुपाते नहीं थे जमानत, वो सभी बातें बयान कर देते थे। और एक बात और थी कि आपको कोई बात कहेंगे तो ये कहते थे कि किसी से कहना नहीं। अच्छा, और फिर आप खुद देखेंगे कि वो किसी और से भी वही बात कर रहे हैं और उससे भी कह देते थे, देखो किसी से कहना नहीं। वो था, एक दिन इन्होंने बताया कि आज मैं फला जगह गया था और मुझे एक लड़की मिली है, हमारी जाहिदा हिना जो है, हमारी दीदी जाहिदा हिना यूँ कहना चाहिए, वो उस वक्त एक स्कूल में थी, शायद उसका नाम ग्रीन बुक क्या था, तो वो और उसमें भी तालीम से वाबस्ता नहीं थी बल्कि अकाउंट्स के शोबे में थी उसके। खैर, तो ये आके इन्होंने बताया कि भाई मैंने एक लड़की देखी और बहुत मुतासिर हुआ उसकी इल्मियत से, उसके ज़ौक से। फिर ये जॉन साहब बाकायदा उनकी वजह से वहाँ जाने लगे, जानबूझ के भी जाने लगे। तो पढ़ी लिखे खातून तो थी ही वो, और जॉन साहब भी, तो उनमें कुर्बत हो गई। फिर एक दिन आके कहने लगे कि भाई आज हम अकेले निकले थे, और वो एक सड़क का नाम लेके उन्होंने बताया कि आज हम वहाँ टहलते रहे काफ़ी देर और हमने बात की, और क्या लड़की है और क्या नहीं है, उस वक्त शादी का तय नहीं किया था। तो बहरहाल जॉन एलिया इनसे बहुत करीब हो गए थे, तो इनके एक भांजे थे और एक तरह से दामाद भी थे इनके, क्योंकि इनके भाई की बेटी से मुमताज सईद साहब, हम लोग शम्मन कहलाते थे वो अपने घर में, तो हम लोग भी शम्मन भाई वगैरह, वो भी बड़े आलिम व फाजिल आदमी थे, शम्मन भाई कहा करते थे। तो शम्मन भाई इन्हें मामू जॉन कहते थे, लेकिन बेतकल्लुफ भी थे। तो उन्होंने एक दिन जॉन साहब से कहा कि भाई मामू जॉन, आप इनसे शादी कर लीजिए। अब वो शादी का मामला ये था कि इनके जो बड़े भाई थे तकी साहब और रईस साहब, वो डरते थे, वो कहते थे कि भाई हम भी चाहते हैं कि इसकी शादी हो और हमारे फराइज में शामिल है। तकी साहब का जुमला मुझे आज तक याद है, लेकिन हमें डर लगता है कि ये इनका जिस तरह का मिजाज है ये घर चला सकेगा या नहीं चला सकेगा। शम्मन ने जबरदस्ती अंगूठी पहना दी जायदा को, तो गोया उन्हें भी एक तरह की मंगनी हो गई। फिर जाहिदा हिना के यहाँ वो के वालिद जो थे हकीम अबुल खैर, शायद यही नाम था, तो वो अपने घुटनों की तकलीफ की वजह से वो चल फिर ज़्यादा नहीं सकते थे। हम उनके घर भी गए हैं कई बार, तो हमने उन्हें देखा कि वो मुसल्ले पे बैठे रहते थे। और बाकी जाहिदा हिना इनकी बड़ी लड़की थी, तो वो गोया अपना घर भी उन्हें ही चलाना पड़ता था। अच्छा, अब जॉन साहब से शादी हो गई, और शादी की ख़ास बात यह है कि दुल्हन बना के वो जो दूल्हा के साथ एक शहबाला होता है ना, दुल्हन के साथ कौन होता है, कोई एक आध इस तरह की शहबाली कह लीजिए,
तो मशहूर अफसाना निगार हाजरा मसरूर जो थी वो, इन्हें वो मेरे मंजर, इन्हें वो मंजर मुझे याद है कि हाजरा मसरूर इन्हें दुल्हन बना के अपने साथ लाई थी। और उस वक्त दुल्हन की तो आपको मालूम है कि जी वो शर्माई लजाई होती है और जी कुछ छुपा हुआ होता है वो, तो मुझे याद है वो। खैर फिर इनकी शादी हो गई। अब होता यह है कि शादी करके लड़की ससुराल आती है, यहाँ मामला उल्टा हुआ। चूंकि अपने अपनी वालदा वगैरह की वो छोटे भाई बहन भी थे, उनकी परवरिश भी जाहिदा की जिम्मेदारी थी, लिहाजा वो तो यहाँ नहीं आई बल्कि जॉन साहब उनके घर में, यानी वो है यहाँ दूल्हा जो है वो मुंतकिल हुआ। जी, फिर वो जैसे हम लोग घर जमाई कहते हैं। हाँ बिल्कुल वही वही वही, तो वो होता रहा। अब इस बेचारी की किस्मत के वो, एक तो उसे अपना घर भी चलाना पड़ा और फिर जब आई तो शौहर जो है वो उसे कमाने वमाने से दिलचस्पी नहीं, वो तो इन कामों को घटिया काम समझते थे और हैं भी ये काम घटिया ही, यानी आदमी कमाने में लगा रहे। तो ये भी जाहिदा हिना ही ने चलाया। और आज भी उनका जो दफ्तर है वो चला, अपना एक जाती दफ्तर है उनका हमारे जाहिदा हिना का गुलशन इकबाल में, जी। और वो दफ्तर क्या है, वो तो लाइब्रेरी है, वो किताबों से भरा हुआ ही दफ्तर है। अब वो किताब में बहुत छोटा सा नमूना है, इनकी लाइब्रेरी अपने घर में जो इन्होंने कायम की है वो बहुत ज्यादा है। तो जॉन साहब, अच्छा अब एक लड़की जो अपने खानदान की मुखालफत के बावजूद जिसने इनसे शादी की, तो वो शादी घर बनाने के लिए की होगी ना, बिगाड़ने के लिए तो नहीं जी की होगी। तो ये जो उनकी अलहदगी हो गई, इसमें खुद अपनी जॉन साहब की कुछ आप बेपरवाही और एक शायराना तबीयत, लाउबालीपन वगैरह, उसका ज्यादा दखल है। जायदा बेचारी ने तो ना उसके बाद शादी ही नहीं की कभी, और ना वो आज तक कोई बुराई करती है, हाँ जिक्र नहीं करती और नापसंद भी करती। नापसंद से मुराद ये कि एक बार मैं बैठा हुआ हुआ था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, हम लोग कराची वापस जाने के लिए परवाज का इंतजार था हमें, तो हम बैठे हुए थे। अच्छा इनकी जो औलाद हुई तो वो मैंने उन्हें कि जायदा हिना और जॉन एलिया की जॉन एलिया की जो औलादें हुई, बेटियां और फिर बेटा, बेटा कितनी छोट बेटियां हैं, कितने बेटे मेरा हैं ख्याल है दो बेटियां और एक बेटा। और एक बेटा, तो मैंने कभी बहुत बचपन में देखा होगा, जब वो बड़ी हो गई तो मैंने नहीं देखा क्योंकि वो जॉन साहब का ताल्लुक ताल्लुक जो खत्म हो था वो गया खत्म था हुआ जी। और हमारा ताल्लुक चूंकि जॉन साहब से था, तो हम भी उस तरफ यानी आना जाना ही नहीं रहा फिर इतना, बल्कि उनकी शादी के हक में मैं भी नहीं था, कुछ मेरे अंदर से एक गवाही आती थी कि ये चलेगा नहीं मामला, और मैं ये जाहिदा से कहना चाहता था बखुदा। ये आज देखिए ये बात निकल रही है लेकिन जो सच है वो, तो जी। वो हो गई शादी लेकिन अच्छी खासी चली है, अच्छा, ये रिश्ता कब तक रहा, मतलब कितने कई साल तक ये साल रहा? रहा, 3 बच्चे हो गए और जी, अब तो वो बच्चे बड़े हो गए अब होंगे। तो बड़े हैं सब माशाल्लाह, सबकी शादियां बाद। हाँ तो मैं ये बता रहा था, हम लोग बैठे हुए थे एयरपोर्ट पर, तो एक लड़की बड़ी चटक मटक के साथ वहां से गुजरने लगी, बैग उसके कंधे पर था, वो भी कहीं जा रही होगी, कराची ही जा रही होगी, तो एकदम उसकी नजर पड़ी शाहिदा पर। वो दौड़ के आई, शाहिदा आंटी, सलाम वलाम किया उसने, और फिर एकदम मुझे, मैं बराबर में बैठा था, तो खेल अनवर अंकल, खैर मैं समझा इनके कोई शागिर्द होगी, वो ये जी लेक्चरार हैं शाहिदा हसन, इनके कोई शागिर्द होगी कॉलेज की, और वो इत्तेफाक से मुझे भी जानती है तो उसने सलाम कर लिया होगा। खैर वो कुछ बातें करती रही, अब एयरपोर्ट का माहौल था ज्यादा तो बात नहीं, वो 3 4 5 जुमलों के बाद वो
आगे निकल गई। तो फिर शाहिदा ने मुझसे पूछा, आप पहचाने थे इसे? तो मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी कि ये जॉन की बड़ी बेटी है। अजब, मैं पूरी तरह वाकिफ था, नाम भी इनका मालूम था मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि जब वो खड़ी थी तो आपने क्यों नहीं बताया? तो कह नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो बुरा मान जाती। लेकिन जमरूर एक बात है, छूट तो गया था ताल्लुक, उसके बाद जॉन साहब बिल्कुल टूट गए थे। और ताल्लुक खत्म होने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि अपने घर से उन्हें कितनी मोहब्बत थी। और उनकी जो शराब नोशी में इजाफा जो हुआ है ना, शुरू में जॉन साहब उस तरह के नहीं थे, बहुत माकूल अंदाज में पीने वाले आदमी थे। बल्कि अपने बड़े भाई के सामने से उठा लिया करते थे गिलास कि भाई बस बस। तो एक ऐसा आदमी जो इतना मोहतात हो पीने पिलाने में, वो जब घर टूट गया तो वो बिखर गया अंदर से। जिन लोगों के घर बसे हुए हैं ना, वो उस शख्स का दुख नहीं समझ सकते कि जिसकी औलाद भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, और वो कभी यहाँ किसी दोस्त यहाँ गुजार रहा है, वहाँ गुजार रहा है, उसका दुख तो वो ही जानता है। और पीने के बाद फिर जब भी जिक्र निकल आता आया कभी, तो रोते थे जी। ये मैंने उन्हें जायदा ही ना को बताया, ये भी कह देता हूँ। चलिए, तो कहने लगी वो कुछ ऐसा जुमला, जुमला तो याद नहीं है पूरा, जैसे बीवियों को शिकायत तो होती है ना मर्दों से, तो उस किस्म की उन्होंने शिकायत की। तो मैंने कहा नहीं, वो आपसे मोहब्बत करते थे, पूरी तरह मोहब्बत करते थे, लेकिन वो उनका अपना अंदाज था मोहब्बत करने का। बहरहाल अब देखिए ना, वो भी चले गए। लेकिन ये जो जॉन साहब की औलाद है इस वक्त, जैसे आप बता रहे हैं दो बेटी हैं एक बेटा, तो उनमें से कोई शायरी कर रहा है या कुछ अदब की तरफ है या किसी और मैदान में? मेरा ख्याल है, मैंने कभी नहीं सुना जी कि वो भी कुछ लिख रही हूँ, लेकिन वो जाहिदा लिख रही हैं बाकायदा। जाहिदा तो बहुत उम्दा लिखती हैं। हमारा ये जॉन एलिया के बारे में जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जॉन एलिया हमारा बहुत उम्दा शायर है, ये तो सबको पता है।